कितना कमा रहा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रहा नहीं मिल रहा, और जॉब मिल रहा नहीं मिल रहा, ये सभी सोच रहे कौन? तो कौन भी नहीं सोच रहे, सभी सिर्फ धर्म धर्म धर्म। मेन स्ट्रीम मीडिया का प्रोपोगंडा है कि मुस्लिम कम्युनिटी वाले ऐसा कर रहे बोल के। कन्हैया लाल केस, उदयपुर केस को हम कंडेम करते हैं, वो कौन कत्ल किया ना, वो मुस्लिम ही नहीं है। बड़े बड़े आज के नेशनल पार्टीज है, ये सभी नेशनल पार्टी वाले फंडिंग पंप कर रहे हो लोगों को कि प्रोपोगंडा करो, हमारा इलेक्शन का प्रोपोगंडा है। हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना और कम्युनल इशू पे कम्युनिटी के हिसाब से हम इलेक्शन लड़ना और लोगों को एक नहीं होने देना। हिंदू में भी कहाँ भी नहीं लिखा है, मुस्लिम में भी कहाँ भी नहीं लिखा है कि किसका तक कत्ल करना, किसी को गद्दारी करना बोल के। हिंदू स्वामी को लेके आते मीडिया पे, एक मुस्लिम माइनॉरिटी वाले को लेके आते, बाबा को लेके आके बिठाते वो लोगों को, पाँच पाँच दस दस हज़ार देख के। ये उदयपुर मर्डर केस में मैं एक दो लफ्ज बताना चाहता हूँ कि कौन सा भी कम्युनिटी रन दो, हिंदू रन दो चाहिए मुस्लिम रन दो कम्युनिटी, कौन सा भी कम्युनिटी में, कि ये नहीं लिखा है कि मर्डर करो, किसका तो कत्ल करो बोल के। मैं एक हिंदू होके ये बताना चाहता हूँ कि हमारा भगवत गीता में कहाँ भी नहीं लिखे कि किसका तो कत्ल करो बोल के। और मेरे कई सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, मैं आज सुबह से उनको बात किया हूँ फ़ोन पे, और मिल के बात किया हूँ, डिस्कस किया हूँ। बड़े बड़े गुलबर्गा के माइनॉरिटी मुस्लिम फ्रेंड्स बड़े बड़े क्या बोलते हैं बोले तो, हमारा धर्म में कहाँ भी नहीं लिखा है कि किसका तो कत्ल करना है, हाँ, और किसी को अन्याय करना बोल के। हाँ, ये सभी क्या चल रहा आजकल बोले तो, मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया का प्रोपोगंडा है कि मुस्लिम कम्युनिटी वाले ऐसा कर रहे बोल के। मैं सबको विरोध करता हूँ, क्योंकि हिंदू में भी कहाँ भी नहीं लिखा है, मुस्लिम में भी कहाँ भी नहीं लिखा है कि किसका तक कत्ल करना, किसी को गद्दारी करना बोल के। ये सिर्फ क्या प्रोपोगंडा है। सभी मेन स्ट्रीम मीडिया आजकल क्या कर रहे बोले तो, एक एक घंटा का डिबेट रख रहे, हम सभी देख रहे डिबेट में क्या चलते रहेगा। एक हिंदू स्वामी को लेके आते मीडिया पे, एक मुस्लिम माइनॉरिटी वाले को लेके आते, बाबा को लेके आके बिठाते वो लोगों को, पाँच पाँच दस दस हज़ार देख के बिठा के क्या करते उनको, हाँ, सिर्फ कम्युनल बात, हेड स्पीच कराना, उन्हों मुस्लिम होके हिंदू को गुस्सा करना और हिंदू होके मुस्लिम पे गुस्सा करना, ये सभी कर रहे, सिर्फ ये सभी TRP के लिए कर रहे वो लोग, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हम सब हिंदू मुस्लिम क्या है, कलबुर्गी में देखे सो है शरणर नाडू बोल के, क्या बोले तो सूफी संतर नाडू, शरण बसप्पा और खाजे बंदानास दरगाह, कई सालों से आए सो है ये सभी, हम भाई बोल के बेचारे से आए सो है ये सभी, हम प्रैक्टिकल में भी वही है। बट ये मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रहे बोले तो, आजकल नफरत फैला रहे। ये मेन स्ट्रीम मीडिया को सपोर्ट करने वाले, पंप करने वाले कौन है बोले तो, बड़े बड़े आज के नेशनल पार्टीज है, ये सभी नेशनल पार्टी वाले फंडिंग पंप कर रहे हो लोगों को कि प्रोपोगंडा करो, हमारा इलेक्शन का प्रोपोगंडा है। हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना और कम्युनल इशू पे कम्युनिटी के हिसाब से हम इलेक्शन लड़ना और लोगों को एक नहीं होने देना, डेवलपमेंट के बारे में नहीं पूछना, ये सभी उनका गेम प्लान है, स्ट्रैटेजी है, ये सभी इलेक्शन के लिए चल रहा। ये सभी हम अवेयर होना, सभी आवाम और जनता की क्या चल रहा, पॉलिटिक्स वाले लोग बड़े बड़े नेशनल पार्टी वाले क्या गेम कर रहे और मीडिया को कैसा इस्तेमाल कर रहे, करके हम लोगों को डाइवर्ट कर रहे बोल के। क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि कौन सा तो मेन स्ट्रीम मीडिया आज के दिन में एक अच्छा एजुकेशन कैसा देना लोगों को, और कैसा पढ़ना, लोग कैसे इंडिया ग्रो होना, कर्नाटक ग्रो होना, गुलबर्गा ग्रो होना बोल के किसी का सोच में है, ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं आप। और इकोनॉमिकल बारे में लोग कितना कमा रहे, कितना कमा रहा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रहा नहीं मिल रहा, और जॉब मिल रहा नहीं मिल रहा, ये सभी सोच रहे कौन? तो कौन भी नहीं सोच रहे, सभी सिर्फ धर्म 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 का सोचने का फोर्सेबली वो सोचने सर का कर रहे सब हम लोगों को। कहाँ भी बैठे सर का हम वही डिस्कशन करना, इसके लिए मेन स्ट्रीम मीडिया को यूज़ कर रहे। मैं आज स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ कि
ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मीडिया एक चीज़ है कि अवेयरनेस बताना, न्यूज़ बताना बोल के है, मेन स्ट्रीम मीडिया का बात कर रहा हूँ मैं। और वो छोड़ते हुए भी एजुकेशन हमारा कहाँ पे है, गुड एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, गुड गवर्नेंस के बारे में, ये सभी टॉपिक कवर किए तो एक बलिष्ठ राष्ट्र, बलिष्ठ कर्नाटक बनने के लिए, बलिष्ठ गुलबर्गा बनने के लिए काम आएगा। बट ये कम्युनल से कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ उनका उनका पॉलिटिकल पार्टी का सोच रहा था ना, वो काबिल हो, उनका सक्सेस होगा माइंड गेम और स्ट्रैटेजी, बट हमारा कुछ होने वाला नहीं है। हम आम जनता का भलाई इसमें कुछ भी नहीं है, कम्युनल इशू पे सिर्फ हमारे को डाइवर्ट कर रहे हिंदू मुस्लिम होके। हम सभी ग्राउंड में हाँ आज के डेट में सभी हम एक ही है, बट ये लोग डे बाई डे डिवाइड करने का सोच रख रहे और मेन स्ट्रीम मीडिया को यूज़ कर रहे। मैं इसके थ्रू बताना चाहता हूँ कि सभी हम भी कंडेम केस है। मेरे कई सारे मुस्लिम फ्रेंड्स मुझे व्हाट्सअप किए कि कन्हैया लाल केस, उदयपुर केस को हम कंडेम करते हैं, वो कौन कत्ल किया ना, वो मुस्लिम ही नहीं है बोलते वो लोग। बोले तो हम मुस्लिम से बाहर रखे, कौन मुस्लिम सच्चा मुस्लिम रहेगा, वो कुरान को एक्सेप्ट करके कुरान में क्या लिखे उसको फॉलो करने वाले। और एक कल्चर रहता, हिंदू रहनदेव, मुस्लिम रहनदेव, क्रिश्चियन रहनदेव, कौन से भी कम्युनिटी रहनदेव, सब में एक संस्कार दिए से रहते लोग, हमारे बड़े लोग, माँ बाप, हमारे दादा, वो सभी लोग, वो संस्कार लेके कौन बड़े होते ना, ऐसे गाँव में नहीं आएगा, काम ऐसा नहीं करेगा। ये माइनॉरिटी मुस्लिम लोग भी हमारा फ्रेंड्स बोल रहे ऐसा कौन भी नहीं करेगा, वो हमारा कम्युनिटी में भी सिर्फ नाम है बट वो कल्चर अडॉप्ट नहीं किया और कुछ भी नहीं है, चुप, एक नाम के ऊपर ब्लेम गेम चल रहा। ये सभी हम कंडेम करते बोल के हमारा कई हज़ारों फ्रेंड्स आज गुलबर्गा नॉर्थ में, सब जगह गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में बोल रहे, बड़ा आवाज़ से बोल रहे वो लोग। मैं खुशी होता हूँ हमारा क्या बोलते दोस्ती ये ऐसे ही चलन दे और हम सभी मिलके देश के उन्नति के लिए काम करेंगे बोल के। जय भारत।